नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के बारे में जानेंगे पूरा प्रैक्टिकली। तो दोस्तों, इसे आप लोग देख सकते हैं, ये है ट्रांसफार्मर का ब्रीदर। दोस्तों, जो सिलिका जली होती है वो इसी के अंदर डाली जाती है। आज हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से सिलिका जली का जो कलर है वो चेंज होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसे आप लोग देख लीजिए, ये जो है ब्रीदर है, और ये जो है इसकी जो श्वसन नलिका होती है, सांस लेने वाली जो नली होती है ट्रांसफार्मर में, उस पर इस तरह से कुछ कसी जाती है। और दोस्तों, जो सिलिका जली होती है वो इसी के अंदर होती है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि वास्तव में सिलिका जली कैसी होती है। तो दोस्तों, इसे खोलने के साथ साथ मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसे ट्रांसफार्मर के अंदर लगाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो चाहे पावर ट्रांसफार्मर हो, इसे लगाया जाता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर नमी न जाए, नमी को सोखने के लिए इसे लगाया जाता है, ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सूखी हवा ही जाए। तो दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरीके की इसके अंदर सिलिका जली होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलिका जली है पूरे तरीके से फ्रेश सिलिका जली है, यानी कि अभी इसने किसी भी तरह से नमी को नहीं सोखा है। तो दोस्तों, ये जो सिलिका जली है, जैसे जैसे नमी को सोखती रहती है, जैसे जैसे नमी को सोखती है, वैसे वैसे इसका कलर हल्का नीला होता जाता है, उसके बाद में हल्का गुलाबी, और लास्ट के अंदर जब ये पूरे तरीके से नमी को सोख लेती है, यानी कि पूरे तरीके से ये गीली हो जाती है, तब इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाता है। वाइट यानी आपको बिल्कुल कांच की तरह इसका कलर है हो जाता है। तो आप लोग इसे देख लीजिए, ये होती है सिलिका जली। तो ये आप लोग देख लीजिए, इसे अपने निकाल लेते हैं कुछ इसके अंदर। तो इसके अंदर भी आप लोग देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके का ब्रीदर है। और दोस्तों, ब्रीदर के नीचे एक प्लास्टिक की कैप लगी होती है। इस कैप का काम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हाई प्रेशर के कारण ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो नली द्वारा, यानी पाइप द्वारा इसके अंदर कई बार आ जाता है। जो वो ऑयल है वो यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए ये प्लास्टिक की कैप लगाई जाती है, ताकि ऑयल नीचे ना गिरे, यहाँ इस कैप के अंदर इकट्ठा हो जाए। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, ये जो कलर है कुछ इस तरीके का कलर है। दोस्तों, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है, बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि सर, सिलिका जली तो बिल्कुल वाइट होती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कई बार क्या है कि बुक में भी मिस प्रिंटिंग होती है कई बार कुछ चीज़ें। और दोस्तों, ये चीज़ भी बुक में मिस प्रिंटिंग है, जो निमी पैटर्न पर आधारित बुक है उसमें भी कुछ इसी तरीके से उल्टा लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सिलिका जली होती है बिल्कुल वाइट कलर की होती है, परंतु जब वो नमी को सोख ले उसके बाद वो नीले कलर की हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। असल में आप लोग देख सकते हैं, जो सिलिका जली होती है बिल्कुल ब्लू कलर की होती है, और जब ये नमी को सोखेगी तो ये वाइट कलर की हो जाएगी। देख लीजिए, ये आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरीके के सिलिका जली होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें गीला करके देखते हैं और देखते हैं कि वास्तव में इनका कलर कैसे चेंज होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे हाथ में थोड़ा सा पानी है और मैं इनमें से कुछ सिलिका जली को इसके अंदर डालूंगा पानी के। तो दोस्तों, आप लोग देखना ये जो सिलिका जली है किस तरीके से कलर चेंज करती है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि पानी को ये बहुत जल्दी से सोख लेती है। अब इनका आप कलर भी देखिए, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये कलर चेंज हो रहा है। और आप लोग देख भी सकते हैं, ये पानी को सोख भी रहे हैं और साथ साथ इनका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो कलर है चेंज हो चुका है, आपने देखा होगा। आप दोस्तों इसकी रिकवरी भी हम कर सकते हैं, रिकवरी मीन्स वापस इसको सुखा कर इसे नीला भी किया जा सकता है, वो अपने आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जो सिलिका जली है किस तरह से ये कलर चेंज करती है और किस तरह से ये नमी को सोखती है। तो इसका जो इस्तेमाल है आपको पता है ट्रांसफार्मर में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके बहुत से डाउट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों ये जो सिलिका जली है ख़राब नहीं होती है, गीली होने के बाद में यानी कि पूरी वाइट होने के बाद में इसे फिर से धूप में सुखा दिया जाता है तो वापस से ये नीली हो जाती है। तो यानी कि सिलिका जली को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।